हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी लोग ठीक हैं। फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बिहार शिक्षकों की भर्ती के रिगार्डिंग। बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि दोस्तों बिहार के अंदर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरफ से जो है ना, ये अपडेट निकल के आ रही है कि बिहार के अंदर 1.80 लाख शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए है ये शिक्षकों की भर्ती, ये टीचर की भर्ती, ये टीचर वैकेंसी 2022 क्लास 1 से लेकर 12 क्लास तक के लिए है। जी हाँ दोस्तों, प्राइमरी स्कूल में भी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसी तरह से हाई स्कूल और कॉलेज, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग में अपना कैरियर ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। इस वीडियो को आप जरूर भी जरूर शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। दोस्तों, बिहार स्कूल टीचर भर्ती 2022 अभी अभी शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है कि बिहार में इस साल उच्च यानी कि हाई माध्यमिक विद्यालयों शिक्षकों की 1.80 लाख पदों पर बहाली की जाएगी। सातवें स्टेप के तहत शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की बहाली की तैयारी तेज़ी कर दी है। प्राथमिक विद्यालयों में करीब 80,000 शिक्षकों की बहाली के लिए अगस्त में वैकेंसी आएगी। उच्च यानी कि हाई और उच्चतर, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के करीब 1 लाख शिक्षकों के रिक्त पद अक्टूबर तक आएंगे। करीब एक लाख टीचरों के खाली पद अक्टूबर तक आएंगे। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी होगा बदलाव। उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। एक उम्मीदवार को अलग अलग प्लेसमेंट यूनिट में आवेदन नहीं करना होगा, बल्कि एक आवेदन ऑनलाइन करना होगा। अगर आप भी बिहार में शिक्षक बनने में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यहाँ दोस्तों बिहार स्कूल टीचर भर्ती 2022 की एक बड़ी अपडेट जो कि मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। बिहार में होगी इस साल 1.80 लाख स्कूली शिक्षकों की पद पर बम्पर भर्ती। क्या प्रक्रिया है? पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। बिहार स्कूल टीचर भर्ती 2022 लेटेस्ट अपडेट। बिहार स्कूल टीचर भर्ती 2022 लेटेस्ट अपडेट। हाल ही में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी DEO और DPO को शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी विभाग को जल्द से जल्द देने को कहा था। छठे चरण में 48,000 सीटें खाली रहने से 30,000 से ज़्यादा पद खाली हो सकते हैं, यानी 80,000 पद खाली हो सकते हैं। ज़िलों को 30 जून तक वैकेंसी काउंट जमा करने को कहा गया है। जिला स्तर पर DM से रिक्त पदों, खाली पदों के अनुसार 15 जुलाई तक रोस्टर क्लियरेंस किया जाएगा। जी हाँ, शिक्षा विभाग द्वारा 25 जुलाई तक तैयार किया जाना है। पंचायत एवं नगर निकायों के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बेसिक एवं स्नातक श्रेणी के शिक्षकों के उपलब्ध रिक्त खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। खाली रिक्ति का उल्लेख 31 मार्च 2022 तक किया जाना है। हाई स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बिहार स्कूल टीचर 2022 भर्ती चयन प्रक्रिया में बदलाव की जाएगी, बदलाव की तैयारी की जा रही है। सिलेक्शन जो होगा, आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, आप जो शिक्षक के लिए जो है ना एप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो उसकी सिलेक्शन जो प्रोसेस है, सिलेक्शन जो प्रक्रिया है, वो एकदम से इस बार एकदम से बदल जाएगा। शिक्षा
विभाग शिक्षा विभाग की तैयारी है कि शिक्षकों के चयन में कोई विवाद व शिकायत ना हो। वर्तमान प्रक्रिया में विभिन्न नियोजन इकाइयों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी होने के बाद भी पद खाली रहते हैं। हाल ही में 90,762 प्राथमिक शिक्षकों के पद पर 48,000 से अधिक पद खाली थे। वर्तमान में विभिन्न नियोजन इकाइयों के माध्यम से मेरिट सूची एवं चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। इसके माध्यम से कई बार योग्य उम्मीदवार भी चयन से वंचित रह जाते हैं। तो इस लिहाज से इसको मद्देनज़र रखते हुए चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस एकदम से बदल दिया गया है और बदलने की तैयारी की जा रही है। बिहार स्कूल टीचर भर्ती 2022 बहाली से मुखिया से लेकर मेयर तक अलग रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले क्या होता था कि लोग मुखिया और सरपंच और गाँव के जो बड़े लोग होते हैं उनके थ्रू जो है ना लोग बहाली करते थे और बहाल होते थे, भर्ती होता था, सिलेक्शन होता था। लेकिन अब इस बार से और अभी से इस साल से क्या होगा कि मुखिया को बाहर रखा जाएगा। इसी तरह से मुखिया से लेकर मेयर तक ऊपर से ऊपर में जितने लोग हैं सबको बाहर रखा जाएगा। इसमें जो है ना इस बहाली में इस सिलेक्शन प्रक्रिया में प्रोसेस में किसी की भी एंट्री नहीं होगी। और जब इस तरह से मुखिया को बाहर किया जाएगा और मुखिया से लेकर जो भी ऊपर में बड़े से बड़े मेयर तक लोग हैं सबको बाहर रखा जाएगा, तो एकदम से चयन प्रक्रिया और सिलेक्शन जो है ना बहुत ही अच्छे से होगा। और इसी तरह से आपको बताते चलें इस प्रक्रिया से क्या होगा कि जो है ना घूस घास का जो है ना एकदम से खात्मा हो जाएगा। और इस तरह के लोग जो है ना जो मुखिया और मुखिया से ऊपर तक के जो लोग पैसा का डिमांड करते हैं, घूस का डिमांड करते हैं, पैसा मांगते हैं चयन प्रक्रिया के लिए, सिलेक्शन के लिए, नौकरी देने के लिए, तो दोस्तों इस तरह के जो है ना इस तरह की चीज़ों से आप एकदम से बचे रहेंगे और आपसे जो है ना किसी भी तरह का कोई घूस वूस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों बिहार स्कूल टीचर भर्ती 2022 की चयन प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका नहीं होगी। जी हाँ, जनप्रतिनिधियों की भूमिका नहीं होगी। शिक्षा विभाग बहाली प्रक्रिया में बदलाव की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। नियुक्त पंचायती राज और नगर निकाय होंगे, लेकिन मुखिया, प्रमुख, नगर परिषद अध्यक्ष या महापौर जैसे लोगों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। उम्मीदवारों को अलग अलग प्लेसमेंट यूनिट के बजाय एक ही स्थान पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एक बहुत बड़ी बात है, अलग अलग जगह से जो है ना दूसरे दूसरे जगहों से दूसरे दूसरे साइट से और पता नहीं किस किस तरह से लोग पहले आवेदन करते थे, ऑनलाइन अप्लाई करते थे या फिर ऑफलाइन अप्लाई करते थे, लेकिन इस बार एकदम से एक ही जगह से सभी उम्मीदवार को अप्लाई करने के लिए जो है ना अप्लाई करने का प्रोसेस और अप्लाई करने का साइट जो है ना तैयार रखा जा रहा है। और एक ही स्थान पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिहार स्कूल टीचर भर्ती 2022 अभ्यर्थियों से सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन। जी हाँ, बिहार स्कूल टीचर भर्ती 2022 जो होगी तो अभ्यर्थियों से सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन। सातवें चरण में शिक्षकों की बहाली के लिए केंद्रीकृत तरीके से अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आप किस नियोजन इकाई में शिक्षक बनना चाहते हैं, विकल्प मांगा जाएगा। उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 37,447 शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 STET ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी। 2021 में जारी रिजल्ट में 80,402 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए थे। 16,196 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने STET 2011 उत्तीर्ण किया है। 16,196 ऐसे लोग हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने STET 2011 में पास किया था, जो छठे चरण में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। वे सभी लोग सातवें चरण में आवेदन करने के पात्र होंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार स्कूल टीचर भर्ती 31 दिसंबर तक रिटायर होने वाले शिक्षकों की सूची मांगी है। 31 दिसंबर तक जो लोग रिटायर होंगे शिक्षक से, उन लोगों की सूची मांगी गई है, उन लोगों का लिस्ट मांगा गया है। हालांकि विभाग ने सभी DO और DPO से 31 दिसंबर 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की सूची अंत तक मांगी है। सेवानिवृत्त शिक्षकों की सूची जारी होने के बाद शिक्षकों की वैकेंसी और बढ़ सकती है। फिलहाल छठे चरण के तहत 32,714 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, जो जुलाई में पूरी हो जाएगी। छठे चरण में जो पद खाली रहेंगे उन्हें सातवें चरण में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का ये देख सकते हैं आप, एक से आठ तक 80,000, कक्षा 9 से 12 तक 1,00,000 पद, अगस्त से अक्टूबर तक आएगी वैकेंसी। यहाँ पे आप, ये भास्कर का न्यूज़ है, भास्कर का यहाँ पे कटिंग पेपर है दियो भाई, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बिहार में इसी साल 1.80 लाख स्कूली शिक्षकों की होगी बहाली।
आप इस कटिंग को सही से जो है ना पढ़ सकते हैं इस वाले वेबसाइट में आने के बाद। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, आंगनवाड़ी सहायिका सेविका बहाली शिवहर, तो इसके लिए जो है ना लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो आप क्या बोलते हैं बहाली करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन जो आवेदन करेंगे, जब अपडेट आ जाएगा और अप्लाई करने के लिए एकदम से नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो दोस्तों जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे शिक्षक के लिए, शिक्षक में भर्ती के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर यहाँ पे इसी वाले साइट में आके क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो क्लिक हियर के ऊपर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप state.bihar.gov.in के साइट में आ जाएंगे, state.bihar.gov.in के साइट में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये बहाली होगी। देखिए यहाँ पे लिखा है जो एजुकेशन मिनिस्टर है श्री विजय कुमार चौधरी जी, उसका यहां पे जो है ना फोटो लगा हुआ है, आप यहां पे देख सकते हैं, उसका नंबर भी है, फोन नंबर से आप कॉल भी कर सकते हैं, और यहीं से आपको जो है ना सारी चीजें करना पड़ेगा, यहीं से जो है ना अप्लाई फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से ये सारी चीजें, ये सारी प्रक्रिया जो है ना अगस्त से शुरू होगी। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा आपको जो है ना वीडियो बना के हम आपके पास पहुंचा देंगे और आपको जानकारी से अवगत करा देंगे। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक, आपको यह इंफॉर्मेशन, ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स आज तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।